कराची एक्सपो सेंटर में लगने वाले फैशन शो के पहले दिन ही रेड कारपेट पर पता चल गया कि फैशन की खूबसूरत मलकाएं इस शो में हिस्सा ले रही हैं, जबकि डिजाइनर्स ने भी अपने बनाए गए मलबूसात को तख्लीकी रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखें, रवायती और मॉडर्न दोनों मिक्स करके सब दिखा रहे हैं, और आइडिया भी यही है कि इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट आजकल के ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइनर्स ने अपनी कलेक्शंस बनाई हुई हैं, और लग तो काफ़ी अच्छा रहा है सब। लेट्स सी, अब शो शुरू होता है तो कैसा जाता है। बिल्कुल हो रही है तो ही कर रहे हैं ना, ऐसी तो नहीं कोई करता फैशन शोज, और वो भी इतने बड़े स्केल को पर। अभी ब्राइडल कुट्योर होते हैं, फैशन शोज होते हैं, फैशन वीक्स होती हैं। मैं अभी दो शोज़ करके लंदन से खुद आई हूँ अभी इधर में ज्वेलरी के लिए, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। ऑल द डिज़ाइनर्स गेट अ प्लेटफॉर्म टू शो व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, एंड ऑल दीज पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग सच बिग बिग इवेंट्स आर डूइंग अ फेवर टू ऑल द डिज़ाइनर्स ऑल्सो, दैट उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी चीज़ें दिखाने का, एंड एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग इट, एंड इसी तरह से वन डे विल बी समवेयर इन द ग्लोब अब्रॉड। आई हैव बीन देयर बिफोर इन द लक्स एक्सपो, आई हैव सीन द फैशन बिफोर, आई लाइक इट सो मच, आई लाइक द पाकिस्तानी ड्रेस सो मच, दिस टाइम आई एक्सपेक्ट इट विल बी बेटर देन द लास्ट टाइम। उभरती हुई मॉडल्स का कहना था कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री किसी से कम नहीं, और आने वाले दिनों में ये दुनिया की टॉप फैशन इंडस्ट्रीज में शामिल हो जाएगी। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे न्यू कमर्स भी आ रहे हैं, एंड देन यू नो फ्रिया इज गिविंग अ लॉट ऑफ चांस टू न्यू कमर्स, सो इट्स ग्रेट। या आई सी अ ब्राइट फ्यूचर। आज का शो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, और क्योंकि कलेक्शन बहुत अच्छी है डिज़ाइनर्स की, उन्होंने कुछ यूनिक कुछ न्यू करके दिखाया है यहाँ पे हमारे लिए, तो लेट्स सी क्या होता है। हफ्ते भर जारी रहने वाले इस फैशन शो ने कराची में कौसे कज़ा के रंग बिखेर दिए, जबकि हसीन चेहरों को मशरक़ व मगरिब के लतीफ इम्तिजाज में ज़ेब-ए-तन देखकर लोग झूम उठे। सबा इम्तियाज, CNBC पाकिस्तान, कराची।